Let's see another question of permutation. Prove that 10p3 equal to 9p3 plus 3 times 9p2. ये 3 multiplication में 9p2 की. अब इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड लेकर के लेफ्ट हैंड ला सकते हैं, या राइट हैंड को अलग से सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड को अलग से सॉल्व करें, और दोनों का सेम वैल्यू आता है तो भी ये प्रूव हो जाता है. तो हमने ले लिया राइट हैंड साइड 9p3 प्लस 3 टाइम्स 9p2. अकॉर्डिंग टू फार्मूला एनपीआर का जो नोटेशन है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, अरेंज किए एन और आर या 9 और 3 है, प्लस 3 टाइम्स यहाँ फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल एनपीआर के सिंटेक्स में. अब इसको डिटेल में सॉल्व करने से पहले ऊपर फैक्टोरियल 9 दिख रहा है बाहर निकालू, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन इसका डिफरेंस फैक्टोरियल 6 प्लस 3 टाइम्स ये तो बाहर गया 1 अपॉन 9 माइनस 2 7 का फैक्टोरियल. यहाँ फिर से कॉमन निकाला जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप में फैक्टोरियल 7 को 7 × 6 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं. ऐसा करने से नीचे डिनोमिनेटर से फैक्टोरियल 6 हम कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पूरा बाहर गया रह जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 7 यहाँ रहेगा. अब हम ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लो 7 × 7 प्लस 1 × 3 नीचे में 7 × 1 7 एलसीएम लेना आपको आता है, 7 + 3 10/7 अंदर आ गया, बाहर जो आपने निकाला था वो इंटू में है. अब इसको ध्यान से देखें, फिर से इंटू में रखें इसको, 10 × फैक्टोरियल 9 7 × फैक्टोरियल 6. अब इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फैक्टोरियल 10 एंड दिस विल बी फैक्टोरियल 7. लेफ्ट हैंड से जो है 10p3 एनपीआर के फार्मूला में रखोगे तो फैक्टोरियल 10 upon 10 - 3 यानी 7 का ही फैक्टोरियल आना है. सो वी कैन राइट दैट दिस इज 10p3. लेफ्ट हैंड साइड आपने ले आया राइट हैंड देखे. सो नाउ यू हैव टू